तीन तीन अखरोट लगे एक साथ बिक जाते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 9 बजे से, और अभी जस्ट हम ऐसे ही फ्री हो गए ब्रेकफास्ट वगैरह करके। और मम्मी जी की तबीयत अब पहले से बहुत ठीक है, और वो ना घास को गए तो इंजेक्शन लगाने के बाद ना उनकी तबीयत ठीक हो गई थी, मतलब पेन बिल्कुल गायब हो गया था। तो वैसे आज हम उनको हॉस्पिटल ले जा रहे थे, लेकिन आज सैटरडे है तो कई बार डॉक्टर मिलते भी नहीं है, तो हमने सोचा चलो मंडे को जाते हैं फिर। और तबीयत भी ठीक है, अगर पेन होता तो ले जाना ही पड़ता, लेकिन आज ठीक है तबीयत, तो हमने सोचा मंडे को ले जाएंगे, अल्ट्रासाउंड कराएंगे। और आज सैटरडे ना तो थोड़ा होता कि डॉक्टर मिलते नहीं कई बार, क्योंकि उनको सरकारी में ही जाना है। सरकारी में ना बहुत अच्छे डॉक्टर है आजकल। तो यहाँ पे बन रहा है ब्रेकफास्ट, तो चलिए फटाफट से बनाते हैं। ये रहा मॉर्निंग व्यू गांव का। तो अभी वाला दरवाजा बंद कर देते, नहीं तो मक्खी अंदर आ जाएगी, मक्खी होगी बहुत ज्यादा। लेकिन आप दिखना के पास बैठ ही नहीं रहा है, इसको खांसी हो रही, तो थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया है। तो हम घर में ही है, घर के काम कर रहे हैं। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि नीचे जाते गाय का गोबर निकालती हूँ, नहीं तो मम्मी जी घास से आएंगी फिर गाय का गोबर भी खुद ही निकालेंगे। घास भी घास को गए, वो मैं जिद कर रही थी कि मैं जाऊँ आप आदमी को देख लो, लेकिन उन्होंने बोला बच्चों को देखने से अच्छा कि मैं घास को ही जाऊँ, बच्चे ना बहुत शरारती हो गए। तो वो गए, थोड़ी देर में बस पहुँचने वाले होंगे, मैं तब तक गाय का गोबर निकालती हूँ। और अब घर भी लेट ही जाऊँगी, मम्मी जी का अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आ जाए तो थोड़ी तसल्ली भी हो जाएगी दिल को, तब तक मैं नहीं जाऊँगी अब। और घर में ना मेरी ननद घर आ रहे आज, उनकी कॉल भी आई थी तो वो मेरे को घर बुला रहे, लेकिन अभी मैं जा ही नहीं पाऊँगी, बस तो मैं जा रही थी। और अभी मेरे फ़ोन में बैटरी भी कम बची है, तो मैं फ़ोन को चार्ज पे लगाती हूँ, खुद गोबर निकालने जाती हूँ। मम्मी जी आगे घास लेके, पे दो भिंडू छोटे छोटे बड़े बड़े, ये देखिए डरपोक कहीं के, लो ले भाई साहब। तो बार बताओ बाहर आने की कोशिश में, और अब गाय को भी बाहर निकालेंगे। बुरे हाल है आजकल ना, हरा घास खाते तो ऐसा नीचे गोबर ही गोबर होता है, पतला पतला पतला। तो अभी हम पहुंच गए हैं खेत में, अब हम कर रहे हैं निराई, साग लगाया है तो कुछ इस तरह का ही साग, ये भी जा हुआ है पूरे खेत में। तो अभी हमने दो बेड में निराई कर ली, अब हम जा रहे हैं घर वापिस, क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा पड़ गई है।
और ये देखिए अखरोट का बहुत बड़ा पेड़, इसमें बहुत ज़्यादा अखरोट लगे। इस पेड़ से ना कम से कम 20-30 हज़ार के अखरोट निकलते हैं। ये बहुत बड़ा पेड़ है और इस पेड़ के अखरोट ना बहुत बड़े बड़े भी होते हैं साइज में, खाने को बहुत टेस्टी, और बेचते भी है 20-30 हज़ार के बिक जाते हैं। 3-3 अखरोट लगे एक साथ। तो अभी हम पहुंच गए घर में और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, पसीने से लथपथ हो गई। देखते हैं अभी क्या कर रहा है। और यहाँ पे देखिए क्रेटो में लहसुन भर के रखा है। ठीक क्रेट है ये। तो अभी बज गए हैं शाम के 3 और दिन को हम खेत से आने के बाद ना खाना खा के सो गए थे, अभी जाके उठे हैं। तो अभी चाय बनाने का टाइम हो गया है और मैं सोच रही हूँ कि चाय के साथ के लिए ना चिले बनाते हैं, और बाकी अभी सारे रेस्ट नहीं कर रहे, तो मैंने सोचा चलो मैं चिले बनाती हूँ, तब तक सारे उठ भी जाएंगे। तो ये चिले का बैटर रेडी हो चुका है, सूखा धनिया मैंने काफ़ी ज़्यादा डाला है इससे टेस्ट अच्छा आता है। और एक साइड मैंने यहाँ पे चाय लगा रखी है, यहाँ पे बनाएंगे चीले। तो यहाँ पे बन रहे मेरे छोटे छोटे चीले, दो तो खराब हो गए स्टार्टिंग के, स्टार्टिंग के दो चीले खराब हो गए मेरे से, पता नहीं फंस रहे बार बार तवे में, ऊपर से गर्मी। तो अभी बन गई चाय भी और चीले भी, मैं खा लेती हूँ, बाकी ने खा लिया। तो मैं अभी जा रही हूँ खेत पापा जी के लिए चाय ले जा रही हूँ, क्योंकि वो ना गोभी वाले खेत गए जब हम सुबह निंदाई करने गए थे और वो घर आए ही नहीं, तो खेत को ले जानी पड़ रही है चाय, और थोड़ी देर निगाही भी करेंगे। तो अभी बज गए शाम के 6 और मैं आ गई खेत से, और अभी बस फेस वॉश किया, आंखों में ना बहुत जलन सी हो रही है और रात भी सोई है अभी। कैसे क्या कर रहा है।